दोस्तों, क्रिकेट से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल का बेल आइकन भी ध्यान से ज़रूर दबाइए। दोस्तों, अगर आप भी युवराज सिंह को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, भारतीय टीम के दिग्गज ऑलराउंडर रहे युवराज सिंह ने 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। संन्यास लेने की वजह साफ थी कि अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद उन्हें काफ़ी समय से टीम में मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि युवराज सिंह जैसे खिलाड़ी ने हमेशा ही भारतीय टीम को मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाला है। उन्होंने कई बार अपनी ताबड़तोड़ पारी से सामने वाली टीम को एक तरफा हराया है, इसीलिए युवी जैसे खिलाड़ी को तो आप हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में युवराज सिंह ने एक और विश्व रिकॉर्ड बनाकर पूरे क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी है। आपको बता दें, युवी ने एक ओवर में 8 छक्के जड़कर सभी को हिलाकर रख दिया है। दरअसल मुंबई में आयोजित शेरफील्ड क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे ही मैच में युवी की टीम ने पहले बल्लेबाजी की और 18वें ओवर तक उनकी टीम का स्कोर 145 रन पर 4 विकेट था। उसके बाद 19वें ओवर में बल्लेबाजी करने आए सिक्सर किंग युवराज, और आपको बता दें कि उसी ओवर में 8 छक्के जड़कर युवी ने इतिहास रच दिया। दरअसल ओवर की पहली 3 गेंदों पर युवी ने 3 लंबे छक्के लगाए और उसके बाद अगली 2 नो बॉल पर भी युवी ने ताबड़तोड़ तरीके से 2 और छक्के लगाए। दोस्तों, इसके बाद भी युवी नहीं रुके और बची हुई 3 गेंदों पर भी युवी ने फिर से 3 गगनचुंबी छक्के लगाए और इसी तरह से युवी ने एक ही ओवर में 8 छक्के जड़ डाले। दोस्तों, युवी की ये पूरी पारी वाकई देखने लायक थी। अगर आपको भी युवराज सिंह की इस ताबड़तोड़ पारी की पूरी वीडियो देखनी है तो जल्द ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर युवी की इस खतरनाक पारी की पूरी वीडियो मिलने वाली है। दोस्तों, युवी की इस खतरनाक पारी के बाद सभी जगह उनका नाम काफ़ी चर्चा में है। यहाँ पर दिग्गजों का ये भी मानना है कि BCCI को युवी को टीम में मौका देना चाहिए था, लेकिन लगातार मौका ना मिलने की वजह से उन्होंने आखिरकार संन्यास लिया। वैसे युवी की इस पारी के बाद सभी को ये पता चल गया है कि क्यों उन्हें सिक्सर किंग कहा जाता है। दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि युवी को भारतीय टीम में तो शामिल करना चाहिए था, लेकिन BCCI ने उन्हें लगातार नज़रअंदाज किया, जिसकी वजह से निराश होकर युवी ने संन्यास लिया। अगर युवी को भारतीय टीम में लिया जाता तो शायद हम 2019 का वर्ल्ड कप भी जीत सकते थे। दोस्तों, वैसे आपको बता दें कि जब अंबती रायडू ने संन्यास लिया था तो कुछ महीनों बाद ही उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया था। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या युवराज सिंह को भी अपना संन्यास का फैसला वापस लेना चाहिए और BCCI को फिर उन्हें टीम में मौका देना चाहिए या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि हाल ही में हमने देखा है कि संन्यास लेने के बाद युवी ने कनाडा में T10 लीग में कई मैचेस खेले थे, जिसमें उन्होंने अपना बेहतरीन प्रदर्शन भी दिखाया था। और अब ऐसे में कई सारे विदेशों से उन्हें खेलने के ऑफर्स भी आ रहे हैं। अब देखना होगा कि युवी इस पर क्या फैसला लेते हैं। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है, क्या युवराज सिंह को अभी भी भारतीय टीम में खेलना चाहिए या नहीं? जल्दी से जल्दी हमें नीचे कमेंट करके बता दीजिए। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्यों युवराज सिंह हम सभी के इतने फेवरेट खिलाड़ी हैं। हम आपको युवराज सिंह की वो 5 खूबियां बताएंगे जिसकी वजह से वो हम सभी के इतने पसंदीदा खिलाड़ी हैं। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, दोस्तों, युवराज सिंह कभी भी अपने हेटर्स को जवाब नहीं देते हैं, लेकिन अक्सर उन्होंने अपनी मेहनत से अपने हेटर्स का मुंह बंद किया है। T20 वर्ल्ड कप 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ मैच में जब फ्लिंटॉप ने उन्हें और भारतीय टीम को काफ़ी भला बुरा कहा था, तब युवराज ने एक ओवर में ही 6 छक्के मार के न केवल अपनी टीम की इज्जत बचाई थी, बल्कि खुद अपनी भी इज्जत बचाई थी। तो ऐसे में युवराज अपने प्रदर्शन से हमेशा हेटर्स का मुंह बंद कर देते हैं और यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है। नंबर 2, दोस्तों, युवराज सिंह शुरू से ही एक महान खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने कई बार भारतीय टीम को हारने से भी बचाया है। ऐसे ही एक मैच की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जब भारतीय टीम ने 8 ओवर में सिर्फ 41 रन बनाए थे और 2 विकेट भी गवा दिए थे, तब युवराज ने आकर सिर्फ 30 गेंदों में ताबड़तोड़ 70 रनों की पारी खेलकर भारत को 188 के स्कोर तक पहुंचा दिया था। उस मैच में धोनी ने भी ये कहा था कि आज की जीत सिर्फ युवराज सिंह की वजह से ही संभव ही है।
तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि युवी ने बहुत बार भारतीय टीम को मुश्किल से भी। अब वहीं दोस्तों तीसरी खूबी की बात करें तो वो ये है कि युवराज न केवल भारतीय टीम का ख्याल रखते हैं बल्कि वो भारत का भी ख्याल रखते हैं। उन्हें अक्सर गरीब बच्चों को खाना खिलाते देखा गया है और उन्होंने कैंसर से लड़ रहे बच्चों के लिए काफी दान भी किया है। आज भी युवी गरीब बच्चों को कुछ ना कुछ दान करते रहते हैं और कैंसर से लड़ रहे लोगों का हौसला बढ़ाते हैं और उनकी इलाज में भी मदद करते हैं। नंबर चार, दोस्तों युवराज कभी भी नाम और पैसों के लिए नहीं खेले हैं बल्कि हमेशा ही भारतीय टीम का नाम रोशन करने के लिए खेले हैं। वो अक्सर सबसे पहले उठकर प्रैक्टिस करने जाया करते थे और इसका खुलासा खुद महेंद्र सिंह धोनी ने किया है। तो हम समझ सकते हैं कि युवी अपने काम के प्रति कितने ज़्यादा सजग थे। नंबर पाँच, दोस्तों युवराज सिंह को जब कैंसर हुआ लेकिन उन्होंने अपनी बीमारी को छिपाकर वर्ल्ड कप खेलने की जिद की। ये युवराज का सपना ही था कि एक बार भारत को वर्ल्ड कप जरूर दिलाना है। युवराज सिंह ने उस टूर्नामेंट में 362 रन बनाए थे और साथ ही उन्होंने 15 विकेट भी लिए थे। T20 और 50 ओवर वर्ल्ड कप दोनों में ही युवराज सिंह ने शानदार प्रदर्शन किया था, इसीलिए युवी के बिना वो कप संभव ही नहीं थे। जब भारत वर्ल्ड कप जीतने का जश्न मना रहा था तब युवराज एक गंभीर बीमारी से लड़ रहे थे। अब दोस्तों चलिए हम थोड़ा युवी के द्वारा बनाए हुए रिकॉर्ड्स पर भी नज़र डालते हैं। तो पहले रिकॉर्ड की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि युवराज सिंह ने 2007 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए थे, जो कि आज तक एक विश्व रिकॉर्ड है। आपको बता दें हालांकि क्रिस गेल ने भी 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए हैं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में केवल युवराज सिंह ही ऐसा कारनामा कर पाए हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि युवी का ये रिकॉर्ड सालों साल तक कायम रहने वाला है और कोई भी खिलाड़ी इसको आसानी से नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि 6 गेंदों में 6 छक्के मारना कोई आम बात तो बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये रिकॉर्ड भी एक भारतीय खिलाड़ी द्वारा ही बनाया गया। अब दोस्तों दूसरे रिकॉर्ड की बात करें तो वो ये है कि युवी ने मात्र 12 गेंदों में ही शानदार अर्धशतक ठोक कर एक और विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया था। आपको बता दें 2007 के T20 वर्ल्ड कप में ही युवी ने ये शानदार करिश्मा करके दिखाया था, जो कि आज तक एक विश्व रिकॉर्ड है और इसे इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई भी नहीं तोड़ पाया है। आपको बता दें उस मैच में युवी ने 12 गेंदों में ही शानदार 50 लगा दी थी, जिसमें से लगातार 6 छक्के भी शामिल थे और उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ना लगभग नामुमकिन सा है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि क्यों युवराज सिंह हम सभी के इतने फेवरेट खिलाड़ी हैं। हम आपको युवराज सिंह की वो 5 खूबियाँ बताएंगे जिसकी वजह से वो हम सभी के इतने पसंदीदा खिलाड़ी हैं। तो चलिए देखते हैं। नंबर एक, दोस्तों युवराज सिंह कभी भी अपने हेटर्स को जवाब नहीं देते हैं लेकिन अक्सर उन्होंने अपनी मेहनत से अपने हेटर्स का मुंह बंद किया है। T20 वर्ल्ड कप 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ मैच में जब फ्लिंटॉप ने उन्हें और भारतीय टीम को काफ़ी भला बुरा कहा था, तब युवराज ने एक ओवर में ही 6 छक्के मार के न केवल अपनी टीम की इज्जत बचाई थी बल्कि खुद अपनी भी इज्जत बचाई थी। तो ऐसे में युवराज अपने प्रदर्शन से हमेशा हेटर्स का मुंह बंद कर देते हैं और यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है। नंबर दो, दोस्तों युवराज सिंह शुरू से ही एक महान खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने कई बार भारतीय टीम को हारने से भी बचाया है। ऐसे ही एक मैच की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जब भारतीय टीम ने 8 ओवर में सिर्फ 41 रन बनाए थे और 2 विकेट भी गंवा दिए थे, तब युवराज ने आकर सिर्फ 30 गेंदों में ताबड़तोड़ 70 रनों की पारी खेलकर भारत को 188 के स्कोर तक पहुंचा दिया था। उस मैच में धोनी ने भी ये कहा था कि आज की जीत सिर्फ युवराज सिंह की वजह से ही संभव ही है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि युवी ने बहुत बार भारतीय टीम को मुश्किल से भी। अब वहीं दोस्तों तीसरी खूबी की बात करें तो वो ये है कि युवराज न केवल भारतीय टीम का ख्याल रखते हैं बल्कि वो भारत का भी ख्याल रखते हैं। उन्हें अक्सर गरीब बच्चों को खाना खिलाते देखा गया है और उन्होंने कैंसर से लड़ रहे बच्चों के लिए काफ़ी दान भी किया है। आज भी युवी गरीब बच्चों को कुछ ना कुछ दान करते रहते हैं और कैंसर से लड़ रहे लोगों का हौसला बढ़ाते हैं और उनकी इलाज में भी मदद करते हैं। नंबर चार, दोस्तों युवराज कभी भी नाम और पैसों के लिए नहीं खेले हैं बल्कि हमेशा ही भारतीय टीम का नाम रोशन करने के लिए खेले हैं। वो अक्सर सबसे पहले उठकर प्रैक्टिस करने जाया करते थे और इसका खुलासा खुद महेंद्र सिंह धोनी ने किया है। तो हम समझ सकते हैं कि युवी अपने काम के प्रति कितने ज़्यादा सजग थे।
नंबर 5, दोस्तों युवराज सिंह को जब कैंसर हुआ लेकिन उन्होंने अपनी बीमारी को छिपाकर वर्ल्ड कप खेलने की जिद की। ये युवराज का सपना ही था कि एक बार भारत को वर्ल्ड कप जरूर दिलाना है। युवराज सिंह ने उस टूर्नामेंट में 362 रन बनाए थे और साथ ही उन्होंने 15 विकेट भी लिए थे। T20 और 50 ओवर वर्ल्ड कप दोनों में ही युवराज सिंह ने शानदार प्रदर्शन किया था, इसीलिए युवी के बिना वो कप संभव ही नहीं थे। जब भारत वर्ल्ड कप जीतने का जश्न मना रहा था तब युवराज एक गंभीर बीमारी से लड़ रहे थे।